नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में एक बार मैं निखिल आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम अपनी एसएससी सीएचएसएल प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये हम क्वेश्चन 12 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट को पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन टेक्नोमेट्री से दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 8 cos² θ प्लस 25 sin² θ की न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जब भी ऐसे दो कोई सम दिए हुए जिसमें दोनों का गुणनखंड एक के बराबर हो, जैसे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का यदि गुणा करेंगे तो एक होता है, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर भी 1/sin θ होता है। तो हमको पता है कि जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर वैल्यू 1 आ रही है, ऐसी कंडीशन में उनका अर्थमेटिक सम उनके ज्योमेट्रिक सम से बड़ा या बराबर होता है। अर्थमेटिक सम क्या होगा? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। यानी सपोज करिए ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है, तो इसका अर्थमेटिक सम हो जाएगा ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, बड़ा होगा बराबर होगा इसके ज्योमेट्रिक सम से। ज्योमेट्रिक सम क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट में, अंडर रूट ए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू बी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ को यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है हमारा? ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, हमेशा बड़ा बराबर होगा किसके? अंडर रूट ए गुणे बी, और क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बना देंगे 1। तो ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा हमेशा बड़ा बराबर होगा 2 गुणे अंडर रूट ए बी के। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एग्जाम के लिए, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में काम आएगा। तो यहाँ से सीधी सीधी ए और बी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 25 है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2√ ए की वैल्यू 8 × 25, और 2 बराबर हो जाएगा 2 × 25 = 200। 200 मतलब 100 × 2, तो 10 आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 2 × 10√2। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 20√2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करना है, इसमें हमें बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है जिसको हम बोलते हैं बोर्डा मास लगाएंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे -15, मैं इसको साथ में सॉल्व करता चलूंगा, 90 डिवाइडेड बाय सबसे पहले ब्रैकेट 89 माइनस मझला ब्रैकेट 9 × 8 प्लस 33, इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 33 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 30, और 30 7 या इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 7 21 21, सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 7 21 और 33 में से 21 जाएंगे तो 9, फिर ये ब्रैकेट बंद और फिर ये बड़ा ब्रैकेट। चलिए -15 प्लस 90 डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 9 8 72 प्लस 9 89 माइनस 81, ठीक है, ये कितना था? 33 माइनस 21, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 12 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 8 72 और यहाँ प्लस कितने हो जाएंगे? 12, तो हो जाएंगे आपके 2 2 4 7 1 8 84। तो माइनस के 15 प्लस के 90 माइनस का 89 माइनस 84 हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 प्लस का 90 माइनस का 5, ठीक है, और ये डिवाइडेड में था तो इसको डिवाइड में रखेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा? माइनस का 15 प्लस का 90 डिवाइडेड में हो जाएगा, तो 5 5 से काटेंगे तो सॉल्व करेंगे माइनस का 15, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 1 5 5 8 40, तो 18 18 में से 15 जाएंगे 3, 3 इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है इस पेपर का। दिए गए ग्राफ में कंपनी 1996 से 2001 की अवधि के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। साथ में लाभ प्रतिशत का आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है। चलिए, तो एक्स अक्ष पे साल किसी कंपनी ने कितना प्रतिशत लाभ कमाया वो साल दिए हुए हैं, और उस लाख को कितने प्रतिशत लाभ कमाया उसका लाख में पैसा दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि 1996 के दौरान कंपनी का व्यय 3,000 करोड़ था, तो उसका व्यय कितना था? 30 करोड़। ठीक है, तो उस वर्ष कंपनी की आय करोड़ में कितनी हुई, तो उसका आय बताना है हमको। सीधी सी बात है भाई, हमको उसका प्रतिशत दिया हुआ है। 1996 में प्रतिशत है 45 ग्राफ के अनुसार, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। 45 बराबर आय बराबर कितनी दी हमको पता करना है, तो एक्स मान लिया, माइनस व्यय कितना दिया हुआ है 30 करोड़, डिवाइडेड बाय 30 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 45 गुणे 3 बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 30, और बटे में यहाँ 10 आ जाएगा क्योंकि ये 10 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 9 45 5 2 9 10, 9 30 27 बटे 2 बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 30। ठीक है, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 27 बटे 2 प्लस 30, तो 27 बटे 2 कितना होता है, 2 एकम 2, 2 3 6 और 1, 2 5 10, तो 13.5 और 30 कितना हो जाएगा, 43.5। 43.5 दिया क्या, ऑप्शन नंबर 4।